नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल। देवी द्रौपदी ने कहा कि एक बार फिर सभा मौन रह गई, सबने अपना अपना धर्म बचाया। और ये धर्म जो वो बचा रहे हैं ना, ये कितना सही है कितना गलत है दुर्योधन की मृत्यु से पहले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात होगा। दुर्योधन को तो मृत्यु मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जितने लोग मौन है उनको भी दंड प्राप्त होगा। वासुदेव श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से औरत किस प्रकार से अबला है, किस तरीके से उसको समाज में दबाया जाता है, कुचला जाता है, बात बात पर, उसके कार्यों पुरुष का है, परिणाम औरत को भुगतना पड़ता है। और मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि कार्य केवल पुरुष का है और परिणाम औरत को भुगतना पड़ता है। कार्य जब औरत का होता है तो परिणाम परिवार को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये जो कमंडल है, परिवार रूपी कमंडल, इसमें यदि वायु स्त्री है, जल पुरुष है, तो यकीन मानिए कि जैसे जैसे जल और वायु एक दूसरे के स्तर को घटाते बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे परिवार का भी भार कम या ज्यादा होता रहेगा। फिलहाल चलते हैं एपिसोड 157 पार्ट 2 में। मत करो मेरे बच्चे। मुझे मान्य है। उत्तम। तो मामा की बात कोई काटता नहीं। क्या मत? मामा श्री, ये पांडव अभी भी मेरे दास हैं। मेरा निर्णय ही अंतिम होगा। ये भूल मत करो दुर्योधन। पीड़ित विदेश से निकला श्राप कभी विफल नहीं होता। उसका भय आपको होगा पितामा। आपको आपके धर्म के लिए दंड मिलने वाला है, मुझे नहीं। पिताश्री, मैं अपने दासों की स्वतंत्रता और संपत्ति नहीं लौटाऊंगा। अभी तो राजी होगा, किंतु यदि आपका आदेश होगा तो मैं मामाश्री द्वारा सुझाए गए मध्य मार्ग को स्वीकार करने के लिए सज्ज हूं। द्रुपद कुमारी के साथ इन 5 पांडवों को 12 वर्षों के लिए वन में वास करना होगा। दुर्योधन का दास बनने से बेहतरी ये किसी राजा के साथ संधि नहीं कर सकते, किसी राजा के अतिथि नहीं बन सकते और कोई सेना एकत्र नहीं कर सकते। अर्थात इन 12 वर्षों में ये पांडव स्वतंत्र नहीं कहलाएंगे और वनवास के अंत में इन सबको 1 वर्ष के लिए पूर्ण अंतर ध्यान होना पड़ेगा। यदि उस 1 वर्ष में मैंने इन 5 पांडवों या उनकी पत्नी को अपनी आंखों से देख लिया तो फिर से उन्हें 12 वर्षों के लिए वन में वास करना पड़ेगा। मामा के दिमाग में इतना बढ़िया प्लान कैसे आता होगा? वो सडन 12 वर्ष, 1 अज्ञात वर्ष, फिर पकड़ेंगे, फिर 12 वर्ष, फिर जिंदगी बीत जाएगी ना, उनको स्वतंत्रता मिलेगी और ना उनको पूरी तरह स्वतंत्रता। हमने स्वतंत्र भी कर दिया, स्वतंत्र भी कर दिया, लेकिन रहेंगे दासी बनके। क्या निर्णय है आपका? देखो, अभी भी उन्हीं के आदेश में चल रहे हैं धृतराष्ट्र, अपना कोई डिसीजन उनका है नहीं। कितना विवश दिखाया भाई, क्षमा कर देना पांडु के पुत्रों, किंतु परंपरा अनुसार आप स्वयं अपने आप को हारे हैं। श्राप का डर खत्म हो गया, इसलिए उसे दिए उसे दुर्योधन का अधिकार मानना होगा।
मानना क्या होगा, मानना ही पड़ेगा। मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप पांचों भाइयों को अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ 12 वर्षों का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार कर जो आदेश तात श्री, हमें इंद्रप्रस्थ की प्रजा से मिलने और कुछ व्यवस्थाएं करने के लिए इंद्रप्रस्थ जाने की अनुमति दी जाए। अनुमति है। ये चैप्टर यहाँ क्लोज। तात श्री की आज्ञा, उनका सम्मान, सब यहीं खत्म। सबका बहुत आभार तात श्री, अंतिम बार आपकी आज्ञा मांग रहे हैं। 13 वर्षों बाद जब पांडु पुत्र लौटेंगे तो आदेश नहीं अधिकार मांगने आएंगे। इस सभा ने हमें अधर्म की शक्ति का परिचय दिया है। हम इसी सभा को धर्म के सामर्थ्य का अनुभव करवाएंगे। जाने से पहले मेरा ये प्रण सुन लो सभाजनों, मैं इस दुशासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा। गुरु सम्राट धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। क्या बात है यार, इसी एटीट्यूड का इंतजार था। यंत्र का आरंभ है महाराज धृतराष्ट्र। इस सभा में जिसने हमारे साथ हुआ प्रपंच देखा, पांचाली के साथ किया गया अपमान देखा, फिर भी मौन रहे, उनका अंत होगा। स्वयं भी तो थे यार, तुम धर्म से बंधे थे तो क्या बाकी लोग अपने धर्म से नहीं बंधे थे? शिव का रुद्र तांडव होगा। महासंग्राम होगा,
महाभारत होगा। क्या बात है। खुली चुनौती। इतना भी लगाव था ना कि हमारे साथ भी हैं हमारे भाई, सब खत्म। जो चीजें समय रहते पहले कर लेनी चाहिए थी। एक होता है बांध टूटने का समय, आज टूट गया। जब सीन को एग्जीक्यूट किया यार, तो एक नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। पुराना चैप्टर वहीं समाप्त कर दिया जाता है और नया चैप्टर जो है जिसमें इन लोग को मिला है पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। पुराने चैप्टर में जिस प्रकार का रौद्र रूप भीम का देखने को मिला कि मैं सारे पुत्रों का, आपके धृतराष्ट्र, मैं आपके सारे पुत्रों का अंत या वध केवल और केवल मैं करूंगा। तो शासन की छाती चीर के उसका लहू मैं पीऊंगा। अर्जुन ने भी कहा कि कटे हुए मस्तकों के अंबार लगा दूंगा, महासंग्राम होगा, महाभारत होगी। युधिष्ठिर ने भी कहा कि मैं अपना अधिकार लेने वापस आऊंगा। न जितने भी रिश्ते नाते थे उसकी सीमा यहाँ समाप्त कर दी गई। इस कड़ी को यहाँ टूटना बहुत आवश्यक था क्योंकि इसके पहले जितनी बार भी इन लोग साथ अन्याय हुआ है उतनी बार एक सीमा जाती थी कि हमारे भाई हैं, संबंध जो थे, संबंध जो थे वो बीच में आ जाते हैं। हस्तिनापुर आने से पहले भी युधिष्ठिर ने कहा था कि हमारे तातश्री ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा, जबकि विदुर ने मना किया था। फिलहाल इनको जो भी पनिशमेंट मिली है डिजर्व करते हैं 12 साल, क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं हाथ था। अन्याय देखते हुए वहां पे कूदना और उसके बाद बोलती अपनी बंद रखना, चुप रहना, कहीं ना कहीं आप भी पाप की भागीदारी हैं। खैर देखते हैं। असत्य नहीं बोला नहीं ठीक है, अधर्म नहीं किया ठीक है, पर वो धर्म ही क्या जो एक स्त्री को ला करके द्यूत सभा में निर्वस्त्र होने पर मजबूर कर, क्योंकि उसमें तो गुरु द्रोण भी है ना। गुरु द्रोण ने भी स्टैंड लिया। अच्छा, ने भी स्टैंड लिया। सबको अपनी अपनी सजा मिली, इन लोगों को इनकी सजा मिल रही। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।